मैं न्यूज वन दिल्ली और मैं हूँ आपके साथ काजुल जैन। इस समय मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 118 में। यहाँ पर मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज यहाँ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक स्कूल के उद्घाटन के लिए आना था, जिसका विरोध यहाँ पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। लगातार उनके द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने पद से इस्तीफा दे। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो इस समय भारी मात्रा में समय मौजूद और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो भाजपा सरकार की International School now open in O29 Budh Vihar Phase 1 near Ramlila Ground with all facilities. Make your kids future bright. लोग यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और लगातार यहाँ पर और सामाजिक तत्वों को
कोई इस तरह की गतिविधि ना हो, इस तरह का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो पुलिस बल है यहाँ पर लगातार, यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी और भाजपा के हैं सभी को पूरी तरीके से आप देखिए रस्सियों के माध्यम से किस तरह उन्हें पूरे सुरक्षा बल के साथ यहाँ पर साइड किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की जो असामाजिक तत्व है या असामाजिक गतिविधियां उसको किसी भी तरीके से अंजाम न दिया जाए। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आए आज यहाँ पर? ये स्कूल का उद्घाटन करने आया, लेकिन ये स्कूल एक स्पेशलाइज स्कूल एक्सीलेंस क्यों बनाया गया? इसमें सभी के बच्चे पढ़ने चाहिए, हमारे आपके जो मतलब पूर फैमिली है सभी के बच्चे पढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ के बच्चों का इसमें एडमिशन क्यों नहीं होगा? ये केजरीवाल उन मंत्रियों का, उन चोरों का सरदार है जो कि दो जेल में जा चुके हैं, इसका भी नंबर आने वाला है। नहीं, ये गलत बात है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, कोई बुखलाई हुई नहीं है। जो चुनाव है चुनाव की दृष्टि से मेयर बनता है, हमारा बने या उनका बने, हम चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग जो है दूसरी तरफ से प्रदर्शन करें और केजरीवाल जी के समर्थन में आए हुए, वही जो भाजपा है वो उनके अगेंस्ट आई हुई है? देखिए हमारा विरोध करना हक है, हम विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दिखा रहे हैं, और इस भ्रष्टाचारी और इस आतंकवादी को हटाकर ही भारतीय जनता पार्टी की ये सेना मानेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जो ये लोग कहकर आए थे कि हम ईमानदारी के कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते थे, दिल्ली की सरकार हो या इनकी पंजाब की सरकार हो, हर जगह भ्रष्टाचार के इन पर आरोप है और दो मंत्री इनके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह की जो छीना झपटी है वो दोनों पार्टीज की तरफ से लगातार जारी है। जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व या असामाजिक गतिविधि यहाँ पर ना हो जाए। लगातार यहाँ पर जनता जो है लगातार ये नारे लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से कि जो केजरीवाल है वो चोर है। वही जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको साफ तौर पर कह रहा है कि चौकीदार ही चोर है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार जो भाजपा दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर और कहना है, क्या कहेंगे आप? लेकिन वही जो आपके डिप्टी सीएम है वो तो इस समय सलाखों के पीछे है कि ये तो बीजेपी का जाल है, क्योंकि उनसे अडानी को और सबको पकड़ा नहीं जाता। समझ ले, चाय वाला है तो वो तो शिक्षा का विरोध करेगा ही करेगा। यहाँ पर जो बल है उसका प्रयोग किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, यहाँ पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो जनता है वो भड़काऊ ना हो जाए, किसी भी तरीके से कोई असामाजिक तत्व या असामाजिक गतिविधि को यहाँ पर अंजाम न दिया जाए। जी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आज आप लोग यहाँ पर आए और किस चीज का विरोध कर रहे हैं? इसलिए आए जो शराब कांड है दिल्ली का, इसके दो मंत्री जेल में है और ये बाहर इसके बगैर हाथ, इसके हाथ है ना उसमें, ये सरगना है उसका, सरगना का नेतृत्व आधार पर इसकी देना चाहिए, और जब तक इसका फैसला नहीं होता इसको सीट पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम इसका। लेकिन उनका लगातार ये कहना है कि जो अब मेयर है वो भाजपा का नहीं बन पाया, इसलिए जो भाजपा है लगातार बौखलाई है और इस तरह की उनके मेयर बनने के बाद इस तरह की जो सत्येंद्र जैन या फिर ये बात करें कि जो मनीष सिसोदिया उनको जेल में भेजा गया, ईडी की कार्रवाई उन पर करवाएगी। ईडी की कार्रवाई हुई ना, पहले कहते थे इसके पास कुछ नहीं मिला, दो वर्ष लग गए, तो अब वो अंदर है 8 महीने से, दूसरा मंत्री जेल में है, उसकी बेल नहीं हो पा रही, अब ये भी जाएगा, इसको रिजाइन देना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और ये जेल में जाएगा, ये हमारी मांग है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं केजरीवाल जो है अपने पद से इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा, पहले भी लोग बोलते थे सिसोदिया जी अंदर नहीं जाएंगे, चले गए ना, ये भी जाएगा, रिजाइन देना पड़ेगा इसको, चोर है ये। अगर वो रिजाइन नहीं देंगे तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला है? और सड़कों पर काम नहीं करने देंगे इसको, सड़कों पर नहीं निकलने देंगे, अगर ये रिजाइन नहीं करेगा ना तो ये दिल्ली में सड़कों पर नहीं जा पाएगा। क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल चोर है। क्यों चोर है? शराब घोटाले में सबसे बड़ा सरगना ये है। शराब घोटाले से पंजाब का इलेक्शन चलता रहा है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, दिल्ली का बच्चा निकाल दिया, पानी पीने को लिए गंदा पानी आ रहा है नलों में, पानी तो मुफ्त दिया जा रहा है, सबको पिला रहे हैं, किसी का मुफ्त नहीं है, किसी का मुफ्त नहीं है, सबको पिला रहे हैं और गंदा पानी आ रहा है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और बिजली बिना विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कट हो जाती है, दो दो तीन तीन घंटे कट हो जाती है। आप मीडिया वाले हैं,
आप मुझे ये बताएं कि आंगनबाड़ियों में क्या हाल है, वो कब तक बच्चों को पढ़ाएंगी, क्या स्कूलों में जाओ, मेरे पास 50 एग्जाम्पल है स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही बच्चों को, तो उसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले आप ये बताया जाए हमें, क्या ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 6th क्लास पास करी है, अगर उसकी एज लिमिट, वो स्कूल में नहीं गया, उसकी एज लिमिट बढ़ जाती है, बिना पास करे हुए वो 9th क्लास में चला जाता है, ये कहाँ का, आप बताओ बच्चों का जो स्टडी का स्टैंडर्ड है वो इतना डाउन क्यों जा रहा है? लेकिन वही यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार का कहना है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत ही बेहतर सुधार किए गए और जो शिक्षा व्यवस्था है, आंगनबाड़ियों में जाए उन बहनों से पूछे जो छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं, और उसके बाद वो लाचार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीएम की गाड़ी है वो आ रही है, और यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा यहाँ पर पुलिस जो है अपना बल का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है यहाँ पर, लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा की नारेबाजी की जा रही है, जोर है भाई जोर है, केजरीवाल जोर है, लगातार उनकी मंत्री जो जेल में है उनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके समर्थन में आए हुए, लगातार भाजपा का कहना है कि जो केजरीवाल है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर और भी लोगों से और जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल कहेंगे बाबू का ठेका खोलेंगे स्कूल के बराबर में, बिल्कुल कहेंगे बराबर में, फिर से स्कूल के बराबर में उठवाए मारेंगे और फिर सारे सामने बोलेंगे और फिर से गली में जो है आज की गिरे से पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो है यहाँ पर मीडिया को भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार मीडिया को कवरेज से यहाँ पर रोका जा रहा है, देख सकते हैं आप लगातार यहाँ पर मीडिया को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वही रस्से लाकर यहाँ पर जो जनता है उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आने वाले हैं वो आसानी से यहाँ पर आए और उद्घाटन जो यहाँ करने आ रहे हैं उसको अंजाम दे सके। लेकिन वही जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता है लगातार उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता है उन सबका ये कहना है कि जो सत्येंद्र जैन है और जो मनीष सिसोदिया उनके ऊपर किसी भी तरीके के जो भी इंजाम लगे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा एक चाल खेली जा रही है, क्योंकि जो मेयर है वो उनकी पार्टी का नहीं चुना गया है। जी यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर जो है जनता वो यहाँ पर इस समय पहुंची हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है उनकी पार्टी के झंडे फहराए जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री है उनको यहाँ पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लगातार वो लोग यहाँ पर काले रंग के वस्त्र पहन के आए हैं और अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी और उनका जो है विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार भाजपा के द्वारा नारेबाजी की जा रही है कि जो चोर है वही चोर है, आम आदमी पार्टी के सभी नेता चोर हैं। क्या कहना चाहिए, डंडा लगा है बीजेपी वाले ना बेफालतू में डंडा मांग रहे हैं, देख सकते हैं तेजी से चोट ला रहे, उसका रहे हैं, लड़ाई हो जाए, सीएम यहाँ पे उद्घाटन ना करें, और पुलिस की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, एसीपी डीसीपी सब आ गए, आप देख सकते हैं कि ये हमें मार रहे हैं, ये देखिए अभी मेरे लगा किसने मारा, बीजेपी की तरफ से बहुत तेजी से डंडा आया जो मेरे चेहरे पे लगा, लेकिन वही जो प्रदर्शन है वो तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ सीएम की सुरक्षा के लिए आए हैं, हमारा कोई प्रदर्शन नहीं है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर भाजपा के लोगों से सीएम को किसी प्रकार का कोई डर है? हाँ बिल्कुल डर है उनकी, खतरा जब वो हमें मार सकते हैं, सीएम की आप देख सकते हैं पुलिस की सुरक्षा लाचार है, दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर दिल्ली की जो पुलिस है क्या वो अपनी जो कार्यशैली उसमें समर्थ नहीं है? बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, कोई इन्होंने फोर्स भी नहीं बुला रखी, बस कम संख्या में पुलिस बल है और इनको प्रदर्शन करने की अनुमति दे रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी का अगर ऐसे प्रदर्शन करते तो अब तक वो अरेस्ट कर लेते, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बस दिखावे के लिए रस्सी बांधना। सत्येंद्र जैन और जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया थे जो जेल में, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीष सिसोदिया जी ने आपने देखा होगा कि ना शिक्षा में नई क्रांति लाई है, सीबीआई ने उनको झूठे मुकदमे पे बंद कर रखा, जिस दिन सीबीआई की जो सुनवाई हो रही थी उस समय भी मनीष सिसोदिया जी ने जो स्टैंडिंग जज थे उनको कहने की कोशिश की, लेकिन वो सब नहीं सुन रहे हैं। बात करेंगे और लोगों से, मनीष सिसोदिया जिस तरह से जेल में है और लगातार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका जो इस्तीफा है उसे भी स्वीकार कर लिया गया, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मनीष जी क्या मुझे भी जेल में डाल सकते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी जिसको पसंद नहीं करती वो सब जेल में डाल देंगे। ये तो आज यहाँ देख रहे हैं प्रशासन इनका कैसे सपोर्ट कर रहा है कि बिल्कुल मेन गेट पे सारे लोग खड़े होकर गुंडाई कर रहे हैं। ये कोई दिल्ली की लाइन व्यवस्था का थोड़ी मामला है। कोई भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। आप उसकी पार्टी में चले जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाए तो वो बंदा दूध का दूल्हा हो जाता है जी? चाहे वो कलकत्ता का देख लो या किसी भी पूरे पूरे देश में देख लो, अगर आप नेशनल सोच रखते हो तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे फिर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली ठीक हो गया सारा कुछ सिस्टम। आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो लगातार इस तरह के जाल में जो है फंसते चले जा रहे हैं और लगातार जो घोटालों में उनके नाम है सामने आ रहे हैं। ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जो है वो क्या नाम है क्या कहते हैं जांच नहीं होती इनकी। जब तक ये पदों पे रहेंगे इनकी कोई जांच नहीं होगी। सरकारें देश के अंदर बनती और बिगड़ती है। भविष्य में अगर कोई मामला ऐसा होता है तो हम बताएंगे ना आपसे कि किसकी जांच हो रही है और कौन करा रहा है इनका। ये तो जब तक सत्ता है भी घोटालों में यहाँ पर इस समय दिल्ली सरकार के जो मंत्री पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं झूठ है भाई। ऐसा है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आया तब तक हम उन सबको बेकसूर मानते हैं। आप एक अब आपका राइट है, आप थाने में जाकर के किसी के खिलाफ भी एफआईआर करवा सकते हैं। पुलिस उसमें जांच करेगी, जांच के बाद फिर आपको जो क्या नाम है जो भी सजा होगा तो जांच के अंदर ही किसी को निर्दोष मान लेना तो ये तो गलत है ना। तो ये तो निर्दोष ही मान के काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो मुख्य अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो भी हमारी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे तो हम उन्हें तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देंगे। इस समय जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी का उन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया तो कहीं ना कहीं वो भी मानते हैं कि उनकी पार्टी के नेता भ्रष्ट है। नहीं, आप अगर नैतिकता की बात करते हैं, इससे पहले भी देश के अंदर जिन पर भी कोई आरोप लगे हैं लोगों ने रेल मंत्रालय छोड़ दिया। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे उच्च पद हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया आरोप लगते ही। तो क्या ये नैतिकता नहीं है कि उन पर जैसे भी आरोप लगा उन्होंने इस्तीफा ले लिया? अगर नहीं लेते तो आप ये कहते कि भाई ये लोग तो बेशर्मी से भीताई कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय केजरीवाल जी ने जो भी कार्य किए हैं वो सही किए हैं। जांच चल रही है, जांच का जो भी आएगा पक्ष उसको मानना होगा इस देश के लिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर ये कहना है कि जो भी जांच में सामने आएगा हम उसे मानेंगे, हम उसकी बात को ऊपर रखेंगे, लेकिन जो भाजपा है इस समय कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उस पर गलत इंजाम लगा रही है, उनको किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर उनको बरगलाने का काम किया जा रहा है। क्या कुछ कहना? केजरीवाल की जो प्रदर्शन है केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल जी बोल रहे हैं आज हमने दिल्ली को स्वस्थ फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में सब कुछ, फ्री में पानी दिया है, लेकिन साथ ये नहीं बोल रहे फ्री में बीमारियां भी दी है। इतना गंदा पानी, इतना सीवर का पानी, प्लस आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता होगा मैडम, आप सारी अफसरों को भोगपत्र के पास जाइए, उनसे पूछिए कि 6% चार्ज जो पेंशन चार्ज ले रही है सरकार, ये गवर्नमेंट स्टेट सरकार, ये कहां दे रही है पेंशन? तो पिछले 4 साल से बंद है। फिर क्या बात की बिजली, ये बोलते हैं फ्री की बिजली, किसी पे नहीं है फ्री की बिजली। ये सारी एक भ्रष्टाचार की पार्टी है, ये बहुत कम टाइम में इन्होंने कम ज्यादा भ्रष्ट करके दिखा दिया, इसलिए अब जनता समझ चुकी है, जनता इनको जवाब देगी। और 2025 में भारी बहुमत से इस बार भाजपा की सरकार आएगी और इस बार केजरीवाल सरकार को हम दिल्ली से मुक्त करके दिखाएंगे। इन्होंने हमारे झंडे छीन लिए और इनके झंडे, हमने कहा कि दोनों साइड के छीनो तो ऐसा नहीं कर रहे, ये पक्षपात कर रहे, हमारे साथ ऐसा कर रहे, उनके साथ जरा सा भी नहीं कर रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहना है जो पुलिस है वो भाजपा का साथ दे रही है ना कि हमारा। अगर भाजपा साथ देती, अगर भाजपा का साथ देती तो आप भी, आप देख रही हैं, आप भी कवरेज कर रही हैं, आप भी कवरेज कर रही हैं, आप देख रही होंगी सरकार नहीं है, हमें बहुत वोट का मार रहा है यहाँ पे। ये आपको अंडी जी आपको पता होना चाहिए कि ये जो ये रोहिणी जोन है ये हमारे पार्षद हमारे विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी के अंडर में आता है। इसका ये उद्घाटन इनके हाथ में क्यों कर रहा है, क्यों कर सकते हैं उद्घाटन? ये तो बीजेपी के अंडर में आता है, ये क्यों करें उद्घाटन इस चीज का? ये तानाशाही चलवा रहे हैं और कुछ नहीं है, और ये भ्रष्ट की सरकार है और कुछ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था है जो उसमें जो बेहतर ऑलरेडी चल रही है और बेहतर उसे कर दिया जाएगा। कुछ बेहतर नहीं चल रही है मैडम, ये खाली शराब नीति के ला सकती है, ये बोलते ना युवाओं को बर्बाद करने की एक स्कीम लाई थी इन्होंने, जो एक के साथ एक दारू फ्री। अगर इतनी अच्छी इनकी नीतियां थी दारू की तो क्यों उन्होंने बंद किया? अगर इतनी अच्छी बेटर नीतियां थी, आज मोदी जी कोई भी नीति लेके आते हैं तो वो वापस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको पता है मेरी नीति अच्छी है, देश के योग्य, देश के लायक है, देश के युवाओं के लिए है, इसमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन इनकी इनकी नीतियों से आप सब देख रहे हैं, सारे सब देख रहे हैं कि सब व्यस्त हैं। आज सब इनको, इन्होंने युवाओं को खाली नशे में झोंकने का एक काम कार्य किया, एक के साथ एक बोतल फ्री, किसी किसी ढेको में एक के साथ दो दो बोतल फ्री। जिन वार्डो में एक ढेके शराब नहीं था उन वार्डो में उन्होंने 4 ढेकों की शराब खोल दी। साफ तौर
पे कि कहने किससे हमारे देश का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। अरे देश के रेवेन्यू छोड़ो, इनके खाली इनके भ्रष्ट नेताओं का रेवेन्यू बढ़ेगा, ये क्यों नहीं बोलते हैं लोग? इन्होंने खाली अपने नेताओं की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये बोलते हैं, केजरीवाल जी बोलते थे मैं अपने आने के बाद सब कुछ रेवेन्यू कम करूंगा, इन्होंने आत्मनिर्भर अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाई, क्यों बढ़ाई क्यों बढ़ाई? ये सब मैडम ये बात है घुमाने की है, ये सारी भ्रष्ट सरकार की नीतियां है, ये भ्रष्ट सरकार अभी ये नीतियां इनकी चलेगी नहीं, 2025 में इनको अच्छा जवाब मिलने वाला है और 2025 में भारी बहुमत से मोदी जी के संरक्षण में हम भारी दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाने जा रहे हैं। आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो और पार्टी के जो लोग हैं किस तरह से जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, पर उनसे बात करेंगे कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। लगातार नारेबाजी की जा रही है कि चोर है वे चोर है, किस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो एक तरफ वो नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की असामाजिक गतिविधि या असामाजिक तत्व को बढ़ावा ना मिले। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? मांगों के लिए नहीं, यहाँ पर शिक्षा के लिए केजरीवाल जी आ रहे हैं और ये भाजपा के लोग बिल्कुल आतंकवादी हैं, उन पे हमला कर सकते हैं, जो शिक्षा की बात करेगा वो जेल में जाएगा और जो अडानी अम्बानी की चमचे करेगा वो मोदी जी के साथ रहेगा। जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर मेजर स्कूल नहीं होंगे। तस्वीरों के माध्यम से आगे दिखाना चाहेंगे जो अरविंद केजरीवाल जी है वो हमें यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, कल तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह का जो हॉल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग किस तरह से यहाँ पर जो नेता है उनको यहाँ पर देखा जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगातार गाड़ियां उतर रही है, लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पुलिस बल जो है नजर आ रही है जाए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो स्कूल के अंदर ले जाई जा रही है ताकि वहां पर सफलतापूर्वक जो उद्घाटन है उसे आगे हो सके। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल के द्वारा लगातार यहां पर भाजपा के लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी यहां पर कार्यकर्ता है वो समय मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो गेट है उसे बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो कि गाड़ियां हैं उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है और आम आदमी पार्टी के और जितने भी भाजपा के जो काफी लेकिन यहाँ पर कुछ गाड़ियों को रोक दिया गया है और भाजपा के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको झंडा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं जो गाड़ी है उसे भी तोड़ दिया गया है, यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी तस्वीरों के माध्यम से दिखाई जो गाड़ी है उसको भी यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा उस पर तोड़फोड़ की गई है, काफी लेकिन कुछ
गाड़ियों को रोक दिया गया है तो स्कूल के अंदर जा चुके हैं। आप बता दें कि जो स्कूल का गेट है उसे बाहर से उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में समय आम आदमी पार्टी और भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और लगातार दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा की तरफ से काले झंडे दिखाकर और काले वस्त्र पहनकर जो है केजरीवाल का केजरीवाल और उनकी नीतियों का विरोध किया जा रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है कि वो भी अपनी अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आई थी, लेकिन वही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है इस समय भ्रष्टाचार को पूरी चरम सीमा पर ले जा चुकी है, जिसके कारण दिल्ली में जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा झंडे फहराए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, लगातार आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आ गए भी आ गए झाड़ू वाले आ गए। वही अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोर है भाई चोर है केजरीवाल चोर है। बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे देखिए किस तरह से यहाँ पर रोका जा रहा है उन्हें। जो भी कार्यकर्ता है उनमें किस तरह से मुठभेड़ होती हुई नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा यहाँ पर लोगों पर डंडे चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो पुलिस वाले हैं जो पुलिस के साथ हैं वो उनके ऊपर हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस वाले, आईएएस के अधिकारी एसीपी जानबूझ के पब्लिक को मार रहे हैं, हमें उकसाने पे मजबूर होकर रहे हैं। ये जाते हमें धक्का मुक्की करके पब्लिक बढ़ के हम पे ये मार मार भी डंडे मारे। देखो हमें लेकिन हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पुलिस मार रही है डंडे मार रही है हमारे सब शांति से काम हो रहा है। जो मेरे अधिकारी है उन्होंने आके हमारे को सीधा धक्का मारा और हमारे जितने पब्लिक थे उनको सबको घेर दिया। आपने दिल्ली का नुकसान किया है। ये यहाँ पर जो स्कूल खोला है इनमें गरीबों के बच्चे नहीं ले रहे, इनके जो पैसे वाले उनका एडमिशन हो रहा है, गरीबों का नहीं हो रहा। और उसके बाद केजरीवाल ने हमने सब दिल्ली का नुकसान किया है। 70,000 करोड़ रुपए नहीं हो रहा है मैडम, ये नहीं हो रहा है। आप देखिए चल के नेशनल आप यहाँ से फार्म भरो जमुना पार निकलेगा, जमुना पार से भरो रोहिणी का सीट खाली निकलेगा। ये ऑनलाइन इंटरव्यू बहुत बड़ा स्कीम है, इसकी जांच हो रही है। इनको अच्छे काम लग रहा है, जो दारू के ठेके खोले थे, जो महिला अपने घर में रोटी बना रही है उसका पति बोलता है जाके पिंकी टेकरी 70% में दारू लेके आ, तेरे को फ्री मिलेगी और वो पिटे और दारू लेके आए, ऐसा चाहिए आपको भी है? किसको चाहिए दिया मेरा? दारू मंत्री है बच्चों को दारू पिलाएगा, सारा शिक्षा नहीं दे रहा, ये सब गलत है, कौन शिक्षा है दे रहा? जिस बच्चे का माँ बाप दारू पिएगा वो बच्चे शिक्षा कैसे करेगा? घर बर्बाद, जब घर का गार्जियन उसका चाचा एक के साथ बाप दारू पी रहा है, चाचा को फ्री मिल रहा है, बच्चा भी वही सीख तो वही सीखेंगे बच्चे। पंजाब को इन्होंने खालिस्तान बनाने का अग्रसर कर दिया है, अमरपाल वो चैलेंज दे रहा है हमारे गृह मंत्री को,
कि हम ठोक देंगे जैसे इंदिरा गांधी को ठोके, ये राजनीति करेंगे। चाचा दारू पी रहा, बाप दारू पी रहा, तो बच्चे कैसे शिक्षा देंगे? क्या शिक्षा? वो सिर्फ फर्जी बारह विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, जमीनी पे कुछ नहीं है। ये बच्चे का स्कूल था, स्कूल ऑफ एक्सलेंस, इसको अम्बेडकर एक जाति को खुश करने के लिए इन्होंने ये किया है। ये क्या है ये राजनीति? स्कूल ऑफ एक्सलेंस अच्छा नहीं था? ये वोट बैंक एक जाति को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि एक जाति हमसे खुश हो। ये अम्बेडकर का भी नहीं है, ये खालिस्तानी है। ये खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं ये केजरीवाल। लेकिन उनका तो साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, तो एडमिशन रोक दिया इन्होंने, स्कूल का नाम बदल दिया, पेपर हो चुकी है, सब कुछ करने के बाद उन्होंने रोक दिया है। अब मेरे को ये बताइए ना, जिसका एक दारू बाप पी रहा है, दूसरा फ्री में चाचा पी रहा है, उस घर का गार्जियन जब दारू पी के रात दिन पड़ा रहेगा तो बच्चे क्या शिक्षा पाएंगे? आप मुझे बताइए क्या शिक्षा पाएंगे? मेरे को बताइए आप क्या शिक्षा पाएंगे? उसका चाचा दारू पी के पड़ा हुआ है, उसका बाप दारू पी के पड़ा है, बच्चा शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं आप? शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, दारू मंत्री जेल में तुम्हारा। वो पहले गुजरात में कहते थे इन्होंने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार है तो जेल में डालो ना मोदी। दिल्ली का कितना बेहतर विकास हो पाएगा? कुछ नहीं हुआ, जो भी काम शीला दीक्षित करके गई उसके बाद ये ड्रामे किया है, विज्ञापन किया है, काम कुछ नहीं हुआ सिवाय दारू के अलावा। दारू के अलावा बाप दारू, चाचा दारू, भतीजा दारू, सब दारू में डूब गए दिल्ली। और भी लोग हैं यहाँ पर, एक बार उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उनका साफ तौर पर कहना है और किस तरह की जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी है उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का जो आज प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा है उनको काले झंडे दिखा रही है, तो वही जो आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी तो समर्थन करेगी जी, जो एक के साथ एक दारू पीती है, एक के साथ एक फ्री मिलती है, वो तो समर्थन करेंगे। अब इनके दो गए हैं, दो इनके साथ फ्री और जाने वाले हैं, इनके साथ दो और फ्री जाएंगे, दो अंदर चले गए, दो और जाएंगे, उनके चार हो जाएंगे, फिर चार के साथ चार और अंदर जाएंगे, ये पूरी आम आदमी पार्टी 24 तक खत्म हो जाएगी। जैसे दारू एक पे एक फ्री दी गई, वैसे अब नेता भी एक के साथ एक जेल, एक से एक जेल में जाएंगे ये। जैसे उन्होंने दारू एक के साथ एक फ्री करी है, ऐसे दो गए, दो और जाएंगे, फिर चार हो गए, फिर चार के साथ चार और फ्री जाएंगे, ये पूरी पार्टी खत्म होने वाली है। इन्होंने दिल्ली वालों को, दिल्ली वालों को नरक में धकेल दिया। ये कह रहे हमने दिल्ली को लंदन बना दिया, लेकिन हम सही सही घूमते देखो क्या नरक मचा हुआ है, गलियों का कोई बुरा हाल है, ये सब दारू के प्याकड़े, सब दारू पी पी के घूम रहे हैं ये। कल एक दिन की हल्की सी बारिश ने दिल्ली सरकार की और तमाम सिविक एजेंसियों की पोल खोल दी है। जाके यही लोग कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है, ये जो भी लोग खड़े हैं सारे कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। वोट इनको चाहिए, नोट इनको चाहिए, नेताओं को ये करना है, इन्होंने कुछ नहीं है, खाए पिए सो गए, रात को दारू पी के सो जाते। आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार मुक्त, आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार मुक्त आम आदमी पार्टी बन गई थी, गरीबों के मसीहे के रूप में उभर कर सामने आई है, और अरबों के घोटाले यहाँ पर सामने। सब ये ढोंगरा चल रहे हैं, सबसे बड़ा लुटेरा केजरीवाल है, सबका सरगर्मा केजरीवाल है, इनका सबसे बड़ा चोर डकैत ये है, गरीबों के मसीहा। तो ये अपने योगी मोदी जी है जो कोरोना काल में सबको अनाज और क्या क्या दिए खाने के लिए, और ये क्या दिए? दारू, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, यही देंगे और क्या देंगे? यही है केजरीवाल, तो कुछ दिन में म्यूजियम में नजर आएगा फोटो के साथ में, हाँ भाई एक आम आदमी पार्टी होती थी जो चोरी के साथ आई और चोरी के साथ ही चली गई। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा बेहतर हुई है? ये बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा लेते तब स्कूल में होते, घर में पढ़ाई कर लेते, इसने तो शराबी बना दिया घर वाले को, परिवार वाले को, सबको शराब पिला पिला के मार दिया इसने, जहर बेच रहा है ये। बच्चों पे कितना असर पड़ेगा? जो दिल्ली में शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री और इस समय जेल में है। बच्चों पे तो वही पर असर पड़ना है, जब ऊपर वाला जो करने वाला ही जब गार्जियन है और वही जब चोर है, भ्रष्टाचार है, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? वो भी नशा करेंगे, उनके दारू के जगह पे उनको किताब फ्री देना था, शिक्षा फ्री देना था, हॉस्पिटल में मेडिसिन फ्री देना था, लेकिन ये तो दारू फ्री दे रहे हैं, ये तो चोरी फ्री दे रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी फ्री दे रहे हैं, और क्या देंगे? ये बोतल लेके जाते थे, बैग में बोतल भर के ले जाते थे बच्चे। देखी आपने? हमने देखी है, यहाँ के स्कूल है रोहिणी 15 सेक्टर की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे ये तो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उनका तो साफ तौर पर कहना है कि पंजाब में उग्रवाद पैदा कर दिया, पंजाब में उग्रवाद पैदा कर दिया, दिल्ली समझता नहीं, अब ये राजस्थान चला गया, एमपी चला गया, यूपी में हार गए, गोवा में हार गया, अब ये वहां से भी थप्पड़ खा के वापसी आएगा, थप्पड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला इसको। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो इस समय स्कूल के गेट के बाहर मौजूद है और लगातार जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं वो भी तैनात है, लगातार लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे?
पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और लगातार यहाँ पर लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आगे तस्वीरों के माध्यम से चलकर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो क्या बोल रहे हैं, मरो भी मरो केजरीवाल भी मरो। शिक्षा मंत्री जेल में, दो गए जेल में, तीसरे की बारी है केजरीवाल की। जेल में दो की तैयारी है, दो की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है, चार की तैयारी है। इस समय ये स्कूल खोल कर सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप को जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ उन दो मंत्रियों को निकाल लेंगे मायने से। 9 साल बाद पहली बार स्कूल याद आया, बताओ। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। लगातार यहाँ पर भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता उनके द्वारा लगातार चोर है, केजरीवाल चोर है। और यहाँ पर बात करें पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, लगातार यहाँ पर बनाने का जो है प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो असामाजिक गतिविधियाँ वो ना हो पाए। क्या कहना चाहेंगे सारे जो आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विरोध में यहाँ पर जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए? ऐसे नहीं, इनके बस की ओर तो कुछ है नहीं, कोई ठीक मुद्दा तो उठा रहा नहीं। एक्सीलेंस स्कूल बड़ा है, अगर उसके प्रति भी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एरिया एमएलए को अंदर होता है, वो भी द चीफ गेस्ट होता है, सीएम साहब आ रहे हैं, उनका वेलकम करना चाहिए इनको। लेकिन विधायक की तो गाड़ी पे डंडे बरसाकर उन्हें वापस कर दिया गया। नहीं नहीं, विधायक जी ने ही ये विरोध प्रदर्शन रखा सीएम साहब का, तो सीएम है दिल्ली का, ठीक है, उसका विरोध प्रदर्शन ठीक है। आप जंतर मंतर पर जाके करें, वहाँ धरना में जहाँ एक अच्छे काम के लिए आ रहे वहाँ विरोध प्रदर्शन। इस तरह से जो उनकी भाजपा का कहना है कि जो शिक्षा मंत्री है वही जो है शराब मंत्री है, तो इसका जो बुरा असर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं उन पर देखने को मिला। अभी ना तो कोई आरोप सिद्ध हुआ, ना 300 रेड पड़ी, उनमें कुछ नहीं मिला। सीबीआई से अगले दिन उनकी जमानत होने वाली थी, ईडी को भेज दिया। अभी 300 रेड पड़ी उनके घर पे भी, 10,000 रुपए से ऊपर कहीं भी नहीं हुआ। 10,000 का घोटाला, फिर कह रहे 5,000 का घोटाला। अरे घोटाला होता है, कुछ ना कुछ किसी के पास तो निकलता है। अगर घोटाला नहीं है और किसी भी तरह से वो लोग भ्रष्ट नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उनका इस्तीफा क्यों स्वीकार किया? देखो ये एक नैतिकता के आधार पर, क्योंकि उन्हें स्कूलों को भी संभालना था, हॉस्पिटलों को भी संभालना है, उस काम को, क्योंकि अभी उन्होंने सत्येंद्र जैन ने अच्छे काम किए थे, मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों का सुधार किया। लेकिन क्या है, जैसे ही मनीष सिसोदिया जी ने, क्योंकि दो मंत्री बड़े अच्छे थे अर्जुन, उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे थे, उन्होंने दोनों को जेल में डाल दिया, तो इसलिए उनको ना अच्छे काम बर्दाश्त नहीं होते। अगर सत्येंद्र जैन इतने ही सच्चे मंत्री थे तो अभी तक जेल में क्यों पड़े हुए हैं? चलो आप एक भी बात आओ, एक भी चार सीट में उनका नाम हो 2011 पे जब उनकी कंपनी में, उसको लेके चल रहे, नहीं तो एक भी चार सीट में अगर सत्येंद्र जैन पर अभी तक एक भी FIR दर्ज हुई हो या और कोई उसके बाद में, वैसे ही डाल रखे हैं। तो जेल में क्यों? जेल में इसलिए ना, मैं बता रहा हूँ, शासन है इनका और ये नहीं छूट रहे, कभी ईडी को कभी ये वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। काला झंडा की फहराया जा रहा था ऊपर, ये ऊपर अभी आप थे नहीं तो यहाँ पे काला झंडा फहराया जा रहा था, ऐसा क्यों? ये तो बीजेपी वाले काले झंडे को काला झंडा तो नहीं फहराना चाहिए ना, अपना देश का झंडा वो फहराओ, काला झंडे का मतलब क्या? ऊपर इसके बावजूद दिखा रहे, इनका शासन प्रशासन है तो कुछ भी करते जा रहे, जिस मर्जी को डालते जा रहे, बस हाँ इनका भविष्य ही काला। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं कालस में नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है ना, जनता की नजर, जनता को नजर नहीं आ रहा है, जनता की सुविधा खोला है। अभी तक इन्होंने 42 विधायकों पर आरोप लगा, क्योंकि 40 बरी हो चुके हैं, 40 बरी हो चुके हैं, 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, 4th बार MCD में भी इनका सफाया हो गया, इनको आ रहा जमी नहीं है किसी भी स्टेट में, इनको तो एक मैटर है कि कैसे ना कैसे जैसे मर्जी तोड़ा जाए। ये ईडी के और CBI के सिर्फ विपक्ष वालों पे ही छापे क्यों पड़ते हैं, एक भी बीजेपी वाले पड़े, सबकी प्रॉपर्टी देख लो। एक चाहते जो ईडी है वो भी भाजपा का सपोर्ट करती है? नहीं नहीं है ही, ईडी और CBI तो इनके तोते हैं, जिनको उन्होंने बिठाना है तो बस उसके घर पे ईडी की रेड या CBI की रेड या इनकम टैक्स। इतने बड़े प्रशासनिक विभाग पे इतना बड़ा इंजाम लगा रहे हैं कि जो वो ईडी है या फिर जितने भी अन्य प्रशासनिक विभाग है कहीं ना कहीं भाजपा के अंडर में है, उनके कहे अनुसार काम। ये जो अडानी का मामला है, कितना जो अडानी का जो मामला है वो कितना वो चला हुआ, लेकिन उनके खिलाफ तो जांच भी नहीं बैठी, क्यों? अडानी और मोदी दोनों भाई भाई, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बैठेगी जांच बैठेगी सिर्फ जो विपक्ष के उनके, और वो काम कर रहे हैं भाजपा के सभी नेताओं और
मंत्रियों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से अभी तक कोई भी इंसान यहाँ पर सीट नहीं हो पाया है और भाजपा जो है निगम रागों में और मेयर ना बनने की वजह से भुखलाई हुई है। इस वजह से जो लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसी वजह से जो सत्येंद्र जैन और अगर बात करें मनीष सिसोदिया की तो इसलिए लगातार उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जो मेयर है वो भाजपा से नहीं चुनी गई, इसी वजह से जो है भाजपा जो है बौखला गई है और ईडी का उसके अगले दिन ही जो है मंत्री जो है शिक्षा मंत्री और बात करें शराब नीति के जो मंत्री है मनीष सिसोदिया उनके यहाँ पर छापेमारी की जाती है और उन्हें अरेस्ट करवाया जाता है। इस पूरी खबर को देखने के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी और जो भाजपा के कार्यकर्ता है आज यहाँ पर एकत्रित हुए। जो भाजपा के जो कार्यकर्ता उनका लगातार ये कहना है कि जो भाजपा है जो उसके मंत्री है लगातार 10 नीतियों के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं और जो धन इकट्ठा करने का काम है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया जा रहा है, जबकि वो एक भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बनकर उभर कर सामने आई थी। वही जो आम आदमी पार्टी है वो इसका विरोध करते हुए यहाँ पर आज अरविंद केजरीवाल और जो आम आदमी पार्टी की जो समर्थन में उभर कर सामने आई है। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या कुछ राय है? यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो भी जो मंत्री है वो इस समय जेल में मौजूद है, उनको लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और इस पूरी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो दिल्ली की जनता है उसे एक अच्छा बेहतर स्वास्थ्य बेहतर शिक्षा बेहतर नीतियाँ बेहतर हर चीज जो है उन्हें मुहैया हो सके। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं कादिल जैन, न्यूज़ बंदेल।